बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट का आज का दूसरा लेक्चर है हमारा। आज हम पढ़ेंगे कंसीडरेशन, एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये तीनों पढ़ेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम कंसीडरेशन पे आते हैं। कंसीडरेशन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द टर्म कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। ऐसे होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीडरेशन में ऐसे होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप लोग खुद आपस के साथ करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक एक आप लोगों की कंसीडरेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्रॉमिस करता है कि भाई मैं बी की गाड़ी बनाऊंगा, तो जैसे ही वो प्रॉमिस करता है बी की गाड़ी बनाऊंगा तो बी भी प्रॉमिस करता है, ए बी भी प्रॉमिस करता है अगर ए ने मेरी गाड़ी बनाई तो मैं उसको कितने 10,000 रुपये दूंगा। ये होती है दोनों की अंडरस्टैंडिंग, कंसीडरेशन हो गई। उसके बाद होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में होता है कंसीडरेशन ऑफ ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। दो पार्टीज़ की आपस में कंसीडरेशन हो, आपस में समझौता हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, तो इसको हम कहेंगे एग्रीमेंट। एन ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस मेक एन एग्रीमेंट। देखो, कोई भी बंदा अगर किसी से एग्रीमेंट करता है तो उसको सबसे पहले ऑफ़र देगा, ऑफ़र के बाद वो अगला बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा। मतलब दोनों पार्टीज़ खुद एक दूसरे के ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए ये होगा एक एग्रीमेंट। इट मे आर मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अभी यहाँ क्या होता है, यहाँ कोई लीगल ऑब्लिगेशन किसी पे नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीमेंट में ऑब्लिगेशन नहीं होता, क्योंकि इसलिए नहीं होता कि अगर अगर कोई बंदा आपको कहे कि भाई ये मैं काम कर रहा हूँ आपके साथ, एग्रीमेंट करे, मगर वो एग्रीमेंट को बीच में छोड़कर चले जाए तो आप उसको कोई भी फोर्स नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए कहता है बी को कि भाई मैं कार ले रहा हूँ, आप मुझे 20,000 रुपये या 50,000 रुपये दो, 50,000 रुपये दो, वो कहता है सही है, एग्रीमेंट है, मैं आपको देता हूँ, मगर बाद में जब कार लेने की बारी आती है तो वो नहीं देता, तो इसका मतलब कि जो है बी ए बी को फोर्स नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आगे जाके हम कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स में फ़र्क भी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अभी आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसीडरेशन ना। तो रेसिप्रोकल में ये होता है कि मनी बाय मनी, गुड्स बाय गुड्स, प्रॉमिस बाय प्रॉमिस। अभी ऐसा आता है कि अगर बंदा किसी को कोई चीज़ देता है तो लाजमी है उसके बदले में कोई ना कोई चीज़ उससे वो लेगा। जैसे जैसे हमने कहा भाई ए ने कहा बी को मैं आपको कार दे रहा हूँ, तो बी ने कहा ठीक है आप मुझे कार दे रहे हो तो मैं अपना आपको घर दे रहा हूँ। इसको कहते हैं गुड्स बाय गुड्स, कोई चीज़ उसने दी कोई चीज़ उसने। प्रॉमिस बाय प्रॉमिस ऐसे होता है कि ए ने कहा कि बी मुझे अपना बुक देगा, ए ने कहा बी मुझे अपना बुक देगा तो मैं उसको क्या, मैं उसको 60 रुपीज़ दूंगा, मैं उसको 60